हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमको जो विश्व महामारी है, जो वायरल फाइट अगेंस्ट वायरल डिजीज, तो इसमें हमको हमारा फैमिली को और हमारा देश को और हमारा समाज को बचाने का है। तो ये अभियान जो हमारा जो बड़ा प्रधान है, उन्होंने लॉकडाउन यानी कर्फ्यू का जो आदेश दिया है, ये संपूर्णपने पालन करने का है। तो ये वैश्विक बीमारी में से हमको बचने के लिए वारंवार आपको सोप से हाथ धोने का है, आपको घर में ही रहने का है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखने का है, मिनिमम 1 से 1.5 लीटर जितना डिस्टेंस रखिए। पर कई बार आपको लगता है कि भाई हमारे पास सैनिटाइजेशंस नहीं है, तो हम कैसे आपको हाथ धोए और हमारा हाथ सफाई रहता है, नहीं तो कोई वायरस लग जाए, ऐसा आपको मन में भ्रांति रहता है। और अभी भी यही वैश्विक बीमारी के कारण मार्केट में जाना भी मुश्किल हो गया है, और कई बार तो मार्केट में जाते हैं तो ओवर प्राइस भी लेते हैं और एस्केलेशन प्राइस का भी शिकार बन जाता है, तो सारा फैमिली को सैनिटाइजेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों, आपको एक होम सैनिटाइजेशन बताता हूँ, साथ में होम्योपैथिक भी सैनिटाइजेशन दो मेडिसिन है, तो आप ऐसे दोनों को भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहले तो आपको होम मेडिसिन के लिए जो सैनिटाइजेशन करने का है, तो इसमें सबसे पहले जो मैं फिगर में बताता हूँ, 50 जो पत्ते होते हैं तुलसी का लेने का है, 50 से 75 पत्ते है नीम के, जो कड़वा नीम होता है उसका पत्ता लेने का है, और जो 3 सामग्री अलग है जिसको हम कपूर बोलते हैं, जो पूजा में यूज़ होता है, ये आपको 10 ग्राम लेने का है, 10 ग्राम फिटकरी लेने का है, ये मार्केट में से आप कोई भी घर में होता है तो उसको लेने का है, उसको पाउडर बना के अलग रखने का है, और एलोवेरा का पल्प लेने का है, ये मिनिमम एलोवेरा का पल्प 50 ग्राम लेने का है, उसको बराबर उसको जो एक वाड़का में लेके वो पल्प को बराबर छान लीजिए, छोटा छोटा बना दीजिए। अभी आपको क्या करने का है, तो जो पत्ता है तुलसी का, ये 50 पत्ता और 75 पन्ने जो कड़वा लिमड़े का है, उसको 250 ml पानी में उबालने का है। ये उबालने से आपको 100 ml पानी रहता है, तो उसको छान लो और थोड़ा ठंडा करो। ठंडा करने के साथ आपके साथ जो फिटकरी है, ये फिटकरी और जो कपूर है, दोनों को बराबर पाउडर बना देने का है। पाउडर बना के ये जो हमारा जो फिल्टर किया था, जो तुलसी और कड़वा लिमड़ा का जो पानी था, उसमें ये डाल देने का है। डालने के बाद बराबर हिलाइए, ये एकदम ल्यूकवॉर्म हो जाए। बाद में आपके पास जो एलोवेरा का पल्प है, उसको छान लीजिए और पतला कर दीजिए, बिल्कुल सेमी लिक्विड जैसा कर दे, और इसमें डाल दीजिए। ये सब मिश्रण बनाओ तो लगभग आपको 150-200 ml जितना थोड़ा सेमी सॉलिड मिश्रण रहेगा। ये कोई ऐसे पंप वाली बॉटल में आप डाल दो, तो ये पंपिंग जब भी आपको सैनिटाइजेशन करने का हो, तो ये सैनिटाइजेशन आपको 10-15 ड्रॉप्स लो और हाथ में यूज़ करने का है। बाद में 10-15 ड्रॉप लेके ऐसे यूज़ करने का है, और अंगुलों में दोनों अंगुलों में घिसने का है, हाथ में घिसने का है, ऐसे घिसने का है, और राउंड घिसने से तुम्हारे जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जो लोग घर में रहते हैं, उनको भी वारंवार जो सॉप से भी जो हैंड वॉश करे, और हैंड वॉश करने में के लिए आपको मिनिमम 20 सेकंड पानी और जो सोप्स है उसको स्क्रब करने का है। तो स्क्रब कैसे करें, तो पहले तो सोप लो, बराबर हाथ कीजिए, और इसके साथ आप अंगुली को मिक्स करिए, ऊपर नीचे कीजिए अंगुली को, हाथ में ऐसे करिए, ऐसे दोनों को, और मसूड़िए, बाद में पानी से वॉश कर दो, तो ये भी आपका सैनिटाइजेशन हो जाता है। तो एक टाइम आप पानी से वॉश करो हर घंटे, और पानी से आपको ड्राइनेस फील हो जाता है। तो जो हमने होम जो मेडिसिन सैनिटाइजेशन बनाया है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मित्रों, बींग ए होम्योपैथ, जो आपके पास होम्योपैथिक कोई मेडिसिन पड़ी हो, जैसे आर्निका मदर टिंचर है, तो आपको 30 ml आर्निका मदर टिंचर लेने का है, और इसके साथ कैलेंडुला मदर टिंचर लेने का है। दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद एक बॉटल में भर दो। बॉटल में भरने के बाद अल्कोहल इटसेल्फ भी द सैनिटाइजेशन, इसके साथ ये कैलेंडुला और जो आर्निका है, ये एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, और एंटीवायरल भी है। तो आपको भी 10-15 ड्रॉप्स लेके बराबर वॉश करने का है,
ऊपर नीचे वॉश करने का है और धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहलिक बेस होता है। तो जैसे अल्कोहलिक सैनिटाइजेशन होता है, ऐसे ये होम्योपैथिक कैलेंडुला आर्निका सैनिटाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और आपका हाथ स्वस्थ रख सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल, तो आपके जो महामारी जो वायरल डिजीज है इसमें से बच सकते हैं और आपका फैमिली को भी प्रोटेक्शन रख सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।